है ना कमाल की, कितनी सुंदर लग रही है देखो किस। और इसको खा के भी देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आज? देखो मैं कुछ तरबूज के छिलकों की डिश बनाने वाली हूँ, और कितना सारा छिलका मेरे पास पड़ा है, और आप हैरान हो जाओगे मैं जो डिश बनाऊंगी आपने कभी नहीं पहले बनाई होगी, और कुछ नई चीज है, और इट इज वेरी वेरी टेस्टी। और मैं ये बताऊं, इसका ये पार्ट इज वेरी रिच विथ न्यूट्रिएंट्स, और हमें फेंकना नहीं चाहिए। छीलने से काम शुरू करते हैं, क्योंकि धोया तो ऑलरेडी हुआ है, इसको छील लेते हैं जल्दी से। कुछ मेरे पास लाइट ग्रीन के आए थे, कुछ डार्क ग्रीन के, दो तरबूज आए थे, तो मैं ये देखिए ऐसे इसका छिलका उतार लिया ना, और इसका थोड़ा सा लाल लाल भी उतार दो। हमें ना वाटर मेलन का ज्यादा ग्रीन चाहिए। रेंड ये देखिए उतर गया ना। डार्क वाला तरबूज भी है, ये देखिए जो एक डार्क ग्रीन होता है और ये लाइट ग्रीन, दो तरबूज थे, और इसका भी उतार लो इसी तरह। और फ्रेंड्स मैं बताऊँ, ये बहुत न्यूट्रिशियस है, इसको फेंकना नहीं चाहिए। पूरा छिला गया, पूरा ग्रेट भी कर लेते हैं इसी तरह। अच्छी तरह धो लेना पानी से। अब हम इसको ग्रेट कर लेते हैं, ये देखिए। और ज्यादा मोटा वाला नहीं लिया मैंने, नॉर्मल वाला ग्रेटर लिया है। अब इसके बाद मैं देखो, ये जो है ना मेरे पीसेस बच गए हैं, अब इनको मैं ना क्या करने लगी हूँ, इनको कुछ ग्रेट नहीं होते ना, मोटे मोटे रह जाते हैं, आपको पता है, इनको मैं मिक्सर में डालने वाली हूँ। ये देखो इन पीसेस को जो छोटे छोटे बच जाते हैं, इसको ग्राइंड करके भी आ जाते हैं। इस पल्प को भी हम इसमें डाल देते हैं, व्हाई टू वेस्ट, है ना। हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। और ये मैंने कढ़ाई रख दी गैस के ऊपर, और ये मैंने डाल दिया अपना सारा मटेरियल इसके अंदर। ढक्कन देके इसको सिम पे रख दिया मैंने, कुछ नहीं करना, सिंपली अभी इसको बॉईल होने देते हैं, और आप काम करते रहो अपना दूसरा फ्रेंड। और ये पड़ा हुआ है सिम पे, इसका पानी पूरा सूख गया ना देखो। अब मैं क्या करने लगी हूँ आगे देखिए फ्रेंड्स, मैं अब थोड़ा सा निकालने लगी हूँ इसको। मैं थोड़ा सा इस कढ़ाई में निकालने वाली हूँ, ये आधा आधा नहीं करना, ये थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, वो थोड़ा कम होना चाहिए, ये इसका प्रोसेस बाद में करते हैं, जो मैंने दूसरी कढ़ाई में निकाला है। अब देखो मैं इसमें पानी नहीं डाल रही, क्योंकि ऑलरेडी पानी है। ये आधा कप चीनी डाली है मैंने इसमें, 3/4 टेबल स्पून वनीला एसेंस डाल दिया मैंने, और इसको हिलाया क्योंकि मुझे इसी का फ्लेवर देना है। इसमें मैं एक चम्मच कॉर्नफ्लावर लेने लगी हूँ, ये प्लेन वाला कॉर्नफ्लावर है, और इसमें मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर देने लगी हूँ। ये देखिए मैंने ग्रीन कलर डाल दिया इसमें। मैं इसमें एक चम्मच पानी डालने लगी हूँ, ये देखिए इसको घोलिए, लम्ब्स नहीं रहने चाहिए इसमें। इसमें मैंने डाल दिया ये ग्रीन कलर, इसको पूरा पकाना है अभी अच्छी तरह। और इसमें ये मैंने आधा नींबू डाल दिया, अब इसको पकने दीजिए। ये कब तक पकाना है मैं आपको बताती हूँ, अभी मेरा गैस तेज है, पहले मैंने सिम पे वो करा था, देखो कढ़ाई से भी अलग हो गए। इसकी एक और पहचान है, ये देखो मैंने पानी लिया इतना, और एक थोड़ा सा मैं ये डालने लगी हूँ, ये देखो इतना सा, ये देखिए इसमें ये हो गया ना हमारा। अगर ये घुल जाता है तो इसका मतलब ये तैयार नहीं हुआ, अगर ये गोला सा बन जाएगा इसका मतलब ये तैयार हो गया। ये देखो ये घुला नहीं ना, ये गोला बन गया। अब ये हमारा जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए हल्का सा ठंडा करना है, पूरा ठंडा नहीं करना, उतना ठंडा करना है जिसमें हमारा हाथ चला जाए। इतनी देर मैंने, ये देखिए मैंने ये कटोरियाँ ली हैं, इस साइज की कटोरियाँ, कोई भी साइज की ले लेना कटोरी। हल्का हल्का ऑयलिंग कर दो सबको अंदर से, तार सी बन गया, बस ऐसे ही चाहिए हमें। इसका पानी बिल्कुल निकल चुका है, देखो मैंने ये साइज की कटोरी ली, आप ये साइज की कटोरी भी ले सकते हैं, ये साइज की कटोरी भी ले सकते हैं। अब इसको हमने क्या करना है, ये देखो इसको इसको एक शेप देना है हमने इस तरह कटोरी का। ये देखो मैंने इसको कटोरी का शेप दे दिया, ये हो गई ना। अब मैं इनको थोड़ी देर फ्रिज में रखने लगी हूँ इन कटोरियों को, जितनी देर हमारा वो कटोरियाँ ठंडी हो रही है ना फ्रिज में, उतनी देर हम इसको भी कुक कर लेते हैं। ये देखिए अब मैंने गैस ऑन कर दी, इसको मुझे येलो कलर देना है, और इसलिए मैंने कौन सा ले लिया, वनीला वाला ही कस्टर्ड पाउडर ले लिया। देखिए एक चम्मच ले लिया मैंने, और इसमें एक चम्मच दूध डाल के इसको घोल लेते हैं। ये चीनी थोड़ी कम रखना, हाफ कप से थोड़ी सी कम रखो। इसको हल्का सा मैं येलो कलर देने लगी, देखिए अब इसको कुक होने दीजिए।
देखो ये येलो वाला पार्ट है जो हम बना रहे हैं, इसमें हम या तो 2 चम्मच मलाई डाल सकते हैं इस वाले पार्ट में, या अगर आपके पास खोया पड़ा है घर में या मिल्क पाउडर पड़ा है कुछ भी डालिए, ये आपका ऑप्शन है। मैं ये डालने लगी हूँ थोड़ा सा खोया, इस ये भी मैं आप डालने लगी हूँ इसमें 1-2 चम्मच दूध डाल के। तो इसमें मैंने 2 चम्मच दूध डाल दिया है, एक भी लंप नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स। ये मैं डालने लगी वनीला एसेंस पाउडर, इसमें मैं छोटी इलायची का पाउडर भी डाल सकती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है पीसा हुआ। इस स्टेज पे 1-2 चम्मच देसी घी भी डाल दो इसमें, ये मैंने डाल दिया। इसमें 2-3 ड्रॉप्स नींबू डाल रही हूँ मैं, इसमें देखो 1/2 कप मैं दूध भी डाल रही हूँ। आप मलाई भी डाल सकते हैं इसमें, इसको हिलाइए। और 2 ड्रॉप्स मैंने वनीला एसेंस डाल दिया, इससे फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा हमारा रेसिपी का। और ये कॉर्नर्स वाला जो है बीच में मिक्स कर दो इसको भी, ताकि ये अलग लंप ना बने। ये देखिए अभी थिक हो गया ना, ये मैं बंद करने लगी हूँ अभी इसको। फ्रिज में जो मैंने रखे थे मैंने निकाल लिए। हाथ में थोड़ा घी लगा लीजिए, ये देखिए, और एक उठाइए ऐसे, हाथ से उठ जाएगा आराम से। हमें 9 चाहिए ना, क्योंकि हमारी 9 कटोरियाँ रेडी हुई हैं, इसलिए इसको पूरे को 9 में डिवाइड कर लो इतना हमारा। हाँ जी, अब मैंने ये प्लेट ले ली और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ये हम लगाने लगे हैं ऑयल। और ये जो अब हमने कटोरी बनाई थी ना, ये देखिए ये कटोरी बनाई थी मैं, इसमें से निकालने लगी हूँ अब। ये थोड़ी थोड़ी जम गई है, ये देखिए, हाथ से ही निकाल लीजिए इस शेप में। ये देखिए घी लगा के इसको फैला लीजिए, इसको भी इसके ऊपर रखिए। ये जितना गोल शेप दे सकते हैं गोल शेप दीजिए इसकी। और ये जो मेरा येलो पार्ट लिया था मैंने इक्वल 9 पार्ट्स में, क्योंकि मेरे 9 बनने हैं ना, ये मैंने क्या किया इनको अच्छी तरह गोल कर लिया। ये देखिए अच्छी तरह गोल करो, हाथ में देखो घी लगा हुआ है, और इसके ऊपर रखा। और ये देखिए ये मैं क्या डिज़ाइन दे रही हूँ, ये देखिए इसको इसको इस तरह करो कटोरी शेप में। ये देखिए हम सारे बना लेते हैं, बहुत इजीली अब ठहर जाएगा क्योंकि मैंने फ्रिज में उसको रख दिया था टाइट होने के लिए। इसको शेप भी दे सकते हैं हम स्टार की। ये देखिए ये बन गया, अब एक और लीजिए। ये देखिए मैं ले रही हूँ, ये ले लिया, थोड़ा टाइट हो गया फ्रिज में रखने से, बस यही हमें चाहिए था। हाथ में घी लगा के फैलाइए इसको, ये सब जम जाएगा, अभी फ्रिज में पड़ा रहेगा ना मिठाई। ये मैं रखने लगी हूँ, और इसको फिर उठाओ हल्के से हाथ से पूरे को, और फिर इसको सेंटर में रख के इसको करो बंद। ये 9 हमारे बन गए, और ये मैं अभी फ्रिज में रखने लगी हूँ, अभी थोड़ा सा ये और टाइट हो जाए फिर मैं इसके ऊपर डेकोरेशन करूँगी। हाँ जी, मिठाई हमने फ्रिज में रख के निकाल ली है, अब देखो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चेरी लगाने वाली हूँ। ये देखिए चेरी लगा दी मैंने इसको, और ये देखिए ये और एक और रह गया ना देखो, और ये देखिए अब ये बन गई ना हमारी मिठाई, और बिल्कुल अलग है मिठाई, और आपको ना हलवाई देगा ये मिठाई, बिल्कुल प्योर मिठाई, इतनी सुंदर बनी है, इतनी सुंदर। ये देखिए है ना, और ये देखो फ्रेंड्स हमारी मिठाई इज रेडी, है ना कमाल की, कितनी सुंदर लग रही है। देखो किसी डायरेक्शन से देखो कितनी सुंदर आई है, और देखो किसकी बनाई है हमने, आप गेस भी नहीं कर सकते। और इसके नीचे हमने ना वो पेपर रख लिया, बटर पेपर रख दिया, आप भी काट के रख लो, क्योंकि उठाने में देखो कितनी आसानी होगी। ये देखिए, और इसको खा के भी देख लेते हैं। इट्स वेरी वेरी डिफरेंट, आई एम श्योर आप ज़रूर बनाओगे, और कमेंट करके मुझे बताना आपको कैसी लगी ये रेसिपी। थैंक यू फ्रेंड्स।